हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल GST व्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं सोया मंचूरियन। जी हाँ, आज की डिश है सोया मंचूरियन की। सोया मंचूरियन एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है सोया में। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें जो बिल्कुल फ्री है, और इसके बगल की घंटी को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो हमने अपलोड की रहेगी वो सबसे पहले आपको पता चल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ मैंने लिए हैं सोयाबीन, ये छोटे सोयाबीन हैं, आप चाहे तो बड़े ले सकते हैं। इनको अच्छे से पानी में भिगो के सारा पानी निचोड़ लिया अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच हम मैदा और 1 चम्मच अरारोट यानी कॉर्नफ्लावर को मिला के मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब इसको थोड़ा गर्म होने पे हम जो हमारा सोयाबीन का मिक्सचर है वो हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए। अब हम इसे अच्छे से तेल में मिक्स कर लेते हैं और इसको 2 मिनट तक हमें फ्राई करना है जब तक इन सारे सोयाबीन का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। 2 मिनट लगभग हो चुके हैं, ये देखिए इनमें अच्छा कलर भी आ गया है और ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू भी हो गए हैं। अब ये हो गए हैं, अब हम इन्हें साइड में कर लेते हैं। एक पैन में हम फिर से 2 टेबलस्पून के करीब तेल लेते हैं, आप चाहें तो उसे कम भी कर सकते हैं, ऑयल प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे। और हमने यहाँ पे 1 मीडियम साइज की मिर्च ली है, तीखा आप जितना खाते हैं अपने अकॉर्डिंग ही उसे डालें। देखिए थोड़ा ब्राउन हो गया है अब गार्लिक। अब हम इसमें 1 कप के करीब मोटे कटे प्याज यानी रफली चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं जब तक इसका कलर थोड़ा पिंक नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हमें इसे फ्राई करना है। अब इसका कलर देखिए थोड़ा थोड़ा पिंक होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप रफली चॉप्ड कैप्सिकम यानी 1 कप, बारीक नहीं ये मोटा मोटा हमें शिमला मिर्च काटना है, बारीक नहीं काटेंगे इसमें जैसे हमने अनियन किया वैसे ही। अब यहाँ पे 1/2 कप हमने बारीक कटी जो है गाजर डाली है, 1/2 कप हमने यहाँ बारीक कटा पत्ता गोभी यानी कैबेज हमने लिया है। यहाँ पे वेजेज आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, आपको जो पसंद है। अगर आप कैबेज नहीं पसंद करते तो उसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट तक बस फ्राई करना है, अच्छा ज़्यादा नहीं गलाना है ताकि इसका क्रंचीनेस ना जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे यानी काली मिर्च का पाउडर, या काली मिर्च आप कूट के भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पे लिया रेड चिली सॉस, मिक्स कर देते हैं इन सबको अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब टमाटो सॉस। हमने 1 टेबलस्पून लिया है टमाटो सॉस, हमने ऐड कर दिया है, हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट टू टेस्ट डालिए। अब हम जो हमारे सोया मंचूरियन के लिए जो हमने सोयाबीन को फ्राई किया है वो डाल के इसमें मिक्स कर देते हैं। हम इसे बस 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। अगर आप ड्राई मंचूरियन पसंद करते हैं तो 1.5 से 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी है ड्राई मंचूरियन। बट अगर आप इसमें ग्रेवी चाहते हो तो यहाँ हमने 1/2 कप पानी में 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और इसको हमने इसमें डाल देना है और मिक्स कर लेना है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए हमको इसको थोड़ा सा बस पकाना है क्योंकि पानी डाला है इस वजह से। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको यहीं पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसको। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये देखिए
आप इसको किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ, फ्राइड राइस के साथ, ये बहुत ही अच्छा है स्टार्टर के लिए भी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।